नमस्कार, शुभ संध्या, जोहार। 6 अप्रैल 2021 की खबरों के साथ यह है स्वदेशवाणी। इस समाचार के प्रायोजक हैं डीड्स इंफ्रा, सबका सपना रांची में घर हो अपना। आइए डालते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों पर एक नजर। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय खबरें। रूस के राष्ट्रपति ने 6-6 साल के 2 टर्म बहाने संबंधी कानून पर साइन किए। 2024 में खत्म हो रहा कार्यकाल। ब्रिटेन की कोरोना से जंग। ब्रिटिश सरकार ने तेजी से वैक्सीनेशन के बाद एक और कदम उठाया। अर्थव्यवस्था खोलने का नया फॉर्मूला। हफ्ते में 2 बार सबका टेस्ट। वैक्सीन लगवा चुके और संक्रमण से ठीक हो चुके लोग ही मक्का मदीना जा सकेंगे। ब्राजील में लगातार दूसरे दिन 40,000 से कम नए केस। हाईकोर्ट ने लगाया जुर्माना। सिंगापुर पीएम के खिलाफ पोस्ट लिखने पर 72 लाख रुपए का जुर्माना। ब्लॉगर ने क्राउड फंडिंग से जुटा लिए। आइए अब चलते हैं राष्ट्र खबरों की ओर। मुख्तार अंसारी का हैंडओवर लेने पहुंची यूपी पुलिस। पत्नी की कोर्ट में याचिका। केंद्रीय सुरक्षा बलों के साथ वीडियोग्राफी की निगरानी में लाया जाए। बंगाल में 4.5 घंटे में 34.71% मतदान। बीजेपी का आरोप। टीएमसी के गुंडे लोगों को नहीं करने दे रहे वोटिंग। एंटीलिया केस में सीसीटीवी का खुलासा। मनसुख की हत्या से पहले ट्रेन से थाने गया था सचिन वजह। उसी ने फोन पर मनसुख को बुलाया। वोटिंग के बीच फिर मोदी का संबोधन। पीएम ने कहा, बंगाल केरल में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमले हो रहे, लेकिन देश हित में डटे रहना हमारी विशेषता। आइए अब चलते हैं अपने झारखंड की खबरों की ओर। जंगली हाथियों का उत्पात। खदेड़े जाने से भाग रहे थे हाथी। वृद्धा को अकेला पा कुचल कर मारा। परिजनों ने मुआवजे की मांग पर किया हंगामा। झारखंड में कोरोना का संक्रमण जारी। पिछले 24 घंटे में 6 माह बाद पहली बार मिले 1086 नए पॉजिटिव। रांची में 569, 10 की मौतें भी। रांची में सोना 70 रुपए गिरा। चांदी 540 रुपए गिरा। रांची की सड़कों पर आज से सख्ती। कोविड अस्पताल से अलग होंगे टीकाकरण केंद्र। अब कुछ खबरें खेल जगत की। मुंबई पहुंचे दिल्ली कैपिटल्स के तेज गेंदबाज कगिसो रबाडा और एनरिच नॉटजे, लेकिन नहीं खेल पाएंगे पहला मैच। आकाश चोपड़ा ने चुनी दिल्ली कैपिटल्स की संभावित प्लेइंग 11। अजिंक्य रहाणे को किया शामिल। ये थी अब तक की खबरें। इसके अलावा अन्य खबरों की जानकारी के लिए आए हमारी वेबसाइट www.swadeshwani.com पर या हमारे यूट्यूब चैनल पर। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। धन्यवाद। स्वदेश वाणी।